मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। उसी काम में लगा हुआ हूँ। इन महान शब्दों को कहने वाले भाई स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी को यह चैनल सनातन भारत समर्पित है तथा उन्हीं से प्रेरित होकर इस चैनल की स्थापना की गई है। नमस्कारम, मैं प्राकृतिक चिकित्सक हिमानी वशिष्ठ सनातन भारत परिवार में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे दूध के बारे में बात करूँगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था दही के बारे में, इसमें मैं आपको दूध के बारे में बताऊँगी। दूध को हम जो सेवन करते हैं, अक्सर हमारे भारत में मैंने देखा है कि जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है, जो सुबह का नाश्ता है, उसमें दूध ज़रूर होता है। होता है ना, हम दूध पी रहे होते हैं, लेकिन जो दूध है आयुर्वेद के हिसाब से उसका समय सुबह में नहीं, रात के अंदर है। सुबह में दूध नहीं पीना चाहिए। फिर भी अगर आप दूध पी रहे हैं तो आप सुबह के दूध को आंवले के साथ सेवन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आंवला तो खट्टा है और खट्टी चीज़ें, और दूध को मैंने पहले भी बहुत बार मना किया है कि दूध के साथ में खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी प्रकृति में खट्टे फलों में सिर्फ एक ही ऐसा फल है आंवला, जिसका कि आप दूध के साथ में सेवन कर सकते हैं। ये बात भी मैंने अपने एक दूसरे वीडियो में आपको बताई थी, समझाई थी इसका सारा कारण, आप वो भी देख सकते हैं। तो यही एक ऐसा फल है जो आप ले सकते हैं दूध के साथ में। पर अगर आप कोशिश कीजिए कि दूध का सेवन सुबह में ना कीजिए, दूध का सेवन आप रात को सोते समय ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ये छोटी सी बात मैं आपको बताना चाह रही थी। यहाँ पर ऐसे ही जो प्राकृतिक जो टिप्स हैं, उपाय हैं, मैं लेकर आती रहती हूँ अपने चैनल पर। जुड़े रहिएगा मुझसे। अभी के लिए विदा चाहूँगी। धन्यवाद।